मतलब क्या रट्टा लग लेके आए हो क्या कि मतलब रट्टा लेके आए हो हिंदू मुसलमान करके जाओगे यहाँ पे दोनों कैमरे के सामने? आप बोल रहे ये मुसलमान है, नाम नहीं पूछो इनका, सबका नाम नहीं पूछो इनका। मैं हम क्या यहाँ पे डिस्टर्ब करने आ रहे हो क्या आप? नहीं बिहार से आप डिस्टर्ब करने आ रहे हो क्या आप? अरे सुनो यार, सुनो युवा हो इतना गुस्से मत रहो, गुस्सा सबको आता है, थोड़ा प्यार सुनो है ना, थोड़ा तहजीब में रहो, संस्कार में रहो थोड़ा। हम तो भर भर के वोट देते थे ना मुसलमान, तो कांग्रेस को भर भर के, और उसने क्या दिया वोट के बदले में? पढ़ने लिखने तो दिया नहीं, 70 साल अब्दुल पंचर वाला बना दिया। मुसलमान उसी को पसंद करता है, मोदी मोदी नहीं करेगा। अच्छा, मुसलमान वो करेगा जो काम अच्छा करेगा। इमरजेंसी किसने लागू करी थी? हाँ, भाई कांग्रेस ने करी थी ना, क्या कर रहा था? 50 लाख लोगों को जेलों में ठूसा था, नहीं ठूसा था, और जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी कराई गई थी। तो ये मतलब उनका इतिहास है। आज मोहब्बत की बात करना है। हाँ। मोदी जी ने ये तो नहीं किया कि योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए है। हाँ। भाई उससे फायदा मुसलमान भी उठा रहा है। अच्छा। हिंदू भी उठा रहा है। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा है। मेरे घर के अंदर इलाज हुआ है, मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। आयुष्मान योजना के उससे। अच्छा। तो मैं मोदी जी का शुक्रगुजार क्यों नहीं बनूंगा? अच्छा। भाई प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, आज आप जाकर देख लो ग्रामीण के अंदर 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं। जो झुक्की वाले हैं उनको पक्की छत मिल रही है। अच्छा। ये सपना था। हाँ। ये तो वादे करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। मोदी जी का तो काम दिख रहा है। अच्छा। आज आप देख लो बड़ी बड़ी मल्टी हैं। हाँ। आज झुक्की जो है खत्म हो रही है। अच्छा। गांव के अंदर पक्के मकान बन रहे हैं। हाँ। तो ये मोदी जी तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? अच्छा। बिल्कुल आप लोग इतना मोदी से प्यार करते हैं कि मोदी आ रहे हैं तो आप लोग में उत्साह है? बिल्कुल उत्साह है। हाँ। भाई साहब हम तो काम चाहते हैं। हाँ। हिंदू मुसलमान तो चलता रहेगा। हाँ। और हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस ही करती है। एक मिनट, कांग्रेस करती है? राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं कि विदेश में बैठ के मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा देश के अंदर नफरत की राजनीति किसने चालू करी, और देश के अंदर नफरत के बीज किसने बोए, और हिंदू मुसलमान को किसने बांटा? कांग्रेस ने बांटा। कांग्रेस तो 30 साल से जब देश आजाद हुआ था तो उसकी तो सत्ता थी। सत्ता होने के बाद क्या जरूरत थी हिंदू मुसलमान करने की उसे? अच्छा। ये कांग्रेस नहीं करे ना। कांग्रेस के शासन में जितने दंगे हुए हैं आपको पता है कैसे कैसे दंगे करवाए मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने? मुरादाबाद के अंदर क्या करा कांग्रेस ने? ईदगाह के अंदर गोली चलवाई, नमाजियों के ऊपर गोलियां चलवाई है। अच्छा। ट्रकों में लाशें भर के गई है। ये किसने करा? मुख्यमंत्री कांग्रेस के। यूपी के अंदर मुरादाबाद आप पता है 1980 के अंदर, पता है 89 के अंदर, फिर अभी जांच रिपोर्ट आई है उसके अंदर कितने मुसलमानों को मारा। भाई महीना भर आदमी मुसलमान रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, और अपने बच्चों के साथ एक त्यौहार होता है, इवेंट होता है सबसे बड़ा, खुशी मनाने के लिए ईदगाह जाता है, नमाज पढ़ता है, वहां पर आप गोलियां चलवा रहे हो। तो ये कांग्रेस का इतिहास है। अच्छा। कांग्रेस का इतिहास देखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो हम ये काम किसने करा? कांग्रेस ने करा, मोदी जी ने तो ये नहीं करा ना। मतलब कि आपके हिसाब से काम मोदी अच्छा कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, इसलिए मोदी को पसंद नहीं है। सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, हिंदू को ही मिल रहा है, मुसलमान को ही मिल रहा है। अच्छा। रोड बनता है तो उस पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। हाँ। लाइट होती है तो ये नहीं है कि मुसलमान के घर पर लाइट नहीं दी जाएगी। भाई मुसलमान भी फायदा उठा रहा है, हिंदू भी उससे फायदा उठा रहा है। तो हम मोदी जी को और शिवराज जी को क्यों पसंद नहीं करेंगे ये बताइए आप। लेकिन एक तरफ ना मोदी के खिलाफ है जो महागठबंधन बन चुकी है, यानी कि इंडिया गठबंधन, तो क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी एक तरफ लड़ रहे हैं भैया, गली में घूम रहे हैं, बसों में घूम रहे हैं, स्कूटी में घूम रहे हैं, अब तो सूटकेस उठा रहे हैं सर पर, कूली भी बन गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि उनका जो ख्वाब है प्रधानमंत्री बनने का वो कभी पूरा नहीं होगा। राहुल गांधी का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें काम ऐसे नहीं करे कांग्रेस पार्टी ने कि उसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बने। ये जनता के अंदर कोई काम ऐसे करने चाहिए तो उन्हें। अभी वो सूटकेस उठा रहे हैं, अभी पकौड़े भी तलेंगे और ठेला भी दिखाएंगे, ये सारे धटक्रम करते रहेंगे, लेकिन कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ। प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता के दिल के अंदर राज करना पड़ता है। हाँ। जनता के जो दिल है ना, इसके अंदर बसना पड़ेगा आपको। आपको आपके काम दिखाना पड़ेंगे। अच्छा। आप अपने काम बताइए। अच्छा। भाई आपकी भी सरकार रही 10 साल, मनमोहन सिंह रहे। हाँ। कैसे प्रधानमंत्री थे? आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, ग्लोबल लीडर के अंदर गिनती होती है। उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया के अंदर। आज देश जो है सुरक्षित हाथों के अंदर है। आतंकवाद जो हर कभी हमले होते थे इंडिया के ऊपर, कश्मीर के अंदर, आज सब खत्म हो गए। आज आपने सुना किसी आतंकवादी ने कोई हमला कर दिया, कोई घुसी आया, सब खत्म हो गया। अच्छा। हाँ। सुरक्षित है मतलब? बिल्कुल सुरक्षित है देश। भाई आधा सरकार तो इसी कामों में उलझी रहती थी। अच्छा। आज आतंकवादियों ने वहां बम फोड़ दिया, आतंकवादियों ने वहां पर हमला कर दिया, ये सब उलझने रहती थी। आपने सुना कभी इतने टाइम के बाद? तो नहीं सुनने में। फिर सब खत्म मोदी जी ने तो करा ना। फिर तो क्या लग रहा है जो बोल रहे हैं आप कि राहुल गांधी नहीं आएंगे, मतलब कोई सपना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, बोल रहे नफरत
मोहब्बत की नफरत को हटाना है? अरे भैया, जब आपने नफरत के बीज इतने बो चुके हैं तो आप काहे को मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो? भाई एक आदमी जब रिश्ता करता है, अपनी लड़की का भी रिश्ता करता है, तो उसको लड़के को नहीं देखता वो कि लड़का अच्छा है। भाई वो उसके परिवार के बारे में पता करता है, उसके खानदान के बारे में पता करता है कि भाई इसका परिवार कहाँ से, उसकी नस्ल के बारे में पता करता है। तो कांग्रेस की नस्ल तो देखो आप, उसके बाप दादाओं ने क्या करा, जनता के साथ क्या करा, इमरजेंसी किसने लागू करी थी? भाई कांग्रेस ने करी थी ना, क्या करा था? 50 लाख लोगों को जेलों में ठूसा था, नहीं ठूसा था, और जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी कराई गई थी। तो ये मतलब उनका इतिहास है। आज मोहब्बत की बात करना है, है? तो मोहब्बत ऐसे नहीं होती। आपने तो नफरत के बीज बोए हैं, आपने तो गुंडागर्दी करी, आप तो चाहते नहीं थे। आज संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान तो खत्म उन्होंने ही करा था ना। अच्छा। वो तो चाहते थे कि संविधान खत्म हो जाए। वो तो उनके मुकाबले में कोई पार्टी नहीं थी जो सामने खड़ी हो सके। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी जो है कम से कम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करती है। ये जलन है उनको कि हम तो मुकाबले वाली पार्टी आज हिंदुस्तान के अंदर है। हाँ, ये इस वजह से ये सब इकट्ठे हुए कि हाँ। उनका एक और आरोप लगता है लगातार ना कि मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, हिंदू के लिए तो लगातार मंदिर बना रहे हैं। आपने देखा आपके मध्य प्रदेश में महाकाल लोग बन रहा है, ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर लोग बन रहा है यहाँ पर, तो मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं? वो लगातार यही सवाल पूछते हैं। भाई साहब, कांग्रेस की इतने टाइम तक सरकार रही यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। कांग्रेस मुसलमानों की एक डिमांड थी कि यहाँ पर एक हज हाउस बनाया जाए। अच्छा, है ना। और बहुत सारे मुस्लिम लीडर थे कांग्रेस के। कांग्रेस क्या करती है, कुछ मुसलमानों को जो गुंडे टाइप के होते हैं, है ना, उनको टुकड़ा डालती है और उससे कहती है पूरी कम्युनिटी को आप हमारे लिए वोट का काम करवाए। कांग्रेस का ये काम है, और उनके लिए कोई काम नहीं करती, सिर्फ उन लोगों के काम होते हैं और उनके जो गुर्गे होते हैं ना उनके काम होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, माननीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के अंदर हजाउस बनाया, तो ये मुसलमानों के लिए तो काम किए ना। अच्छा, किसने काम किया, हजाउस किसने बनाया, आपको पता है? यहाँ पर शिवराज जी ने बनवाया यहाँ पर, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया? तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किए ना। अच्छा। कैसे कांग्रेस आरोप लगाती है कि मुसलमानों के लिए काम नहीं करते? ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है। इमरान खान जी, क्या कहना चाहेंगे, ईमानदारी से बताइएगा। भाई साहब तो बोल रहे हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को लाएंगे केंद्र में और शिवराज सिंह चौहान को लाएंगे आपके मध्य प्रदेश में। क्या आप दोनों के काम से खुश है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, फायदा हो रहा है आप लोग को? आपकी बार फिर मोदी सरकार, वो बार बार मोदी सरकार। एक बार में बोल दिया, आपकी बार मोदी सरकार? बिल्कुल, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। क्यों ऐसा भाई? मोदी जी से अच्छा कोई नेता ही नहीं है। अभी विश्व स्तर पर आप देख लीजिए कि भारत की जो ख्याति मिली है। आज आप देख लीजिए हमारी सेना का मनोबल कितना बड़ा हुआ है। आज विदेशों में कितना स्वागत हो रहा है उनका वैश्विक स्तर पर। अभी सारे दुनिया के जो G20 के अंदर लोग आए थे, सभी लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं मोदी जी के लिए। मोदी जी ने जो महिलाओं के उत्थान के लिए, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है, वो आज तक कभी नहीं हुआ 70 साल में। क्या हुआ? 3 तलाक के ऊपर जो उन्होंने निर्णय दिया हुआ है। पहले क्या होता था कि महिलाओं में असुरक्षा की भावना थी। खाने में नमक तेज हो गया, आदमी ने डिवोर्स दे दिया उसका। है, माँ बाप कितनी मुश्किल से लड़की की शादी कर रहा है, पति जो है वो एक तो थम्स ब्रांड है, पढ़ने लिखने तो दिया नहीं 70 साल, अब्दुल पंचर वाला बना दिया। अच्छा, कांग्रेस ने? जी, अब्दुल पंचर वाले की देन किसकी है? मोदी जी तो 2014 में आए ना, उससे पहले कौन हमारा पालक था? हम तो भर भर के वोट देते थे ना मुसलमान, तो कांग्रेस को भर भर के, और उसने क्या दिया वोट के बदले में? अशिक्षा। अच्छा। सबसे सबसे ज्यादा अगर आप ये देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए कि दलितों से बुरी स्थिति थी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? ना उन्होंने कोई यूनिवर्सिटियां बनाई, ना कॉलेजेस बनाए, ना कोई रोजगार के साधन उपलब्ध कराए मुसलमानों को। अच्छा। और मुसलमान जो है कांग्रेस के ऊपर इतनी आस्था रखा हुआ है कि उसको सिर्फ पंजे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, तो क्या इस बार पंजा ही दिखाई देगा, फिर कमल का फूल दिखाई देगा? नहीं, जो शिक्षित, अब देखिए धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है जब से मोदी जी आए। स्कूलों में, कॉलेजों में स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग परिवर्तन हो रहा है, युग बदल रहा है। अब जो शिक्षित परिवार है, जो शिक्षित मुसलमान है, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब है। अच्छा जी, क्योंकि कांग्रेस की नीति रीति नीति समझ में, देखिए कब तक आप भ्रमित कर सकोगे? भ्रम जाल तो टूटा है, टूटा है। पिछली बार भी काफी मुसलमानों ने वोट दिया था और इस बार भी भरपूर वोट मुसलमानों का जो है भाजपा को। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप, क्योंकि मुसलमानों के लिए बार बार कांग्रेस की बात करें, ओवैसी की बात करें, तो मुसलमानों की बात खुल के करते हैं, वहीं दूसरे
गठबंधन मोदी की बात कर लें, ये लोग खुल के बात नहीं करते, लेकिन आप बोल रहे हैं आपको सारा योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सब कुछ फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, आज आप मुझे बताइए, कोई मुस्लिम अगर एम्स हॉस्पिटल जाए, एम्स जो है केंद्र सरकार ने मोदी जी की देने ना एम्स हॉस्पिटल, तो क्या कोई एक मुझे ये बता दीजिए कि किसी मुस्लिम का इलाज नहीं हुआ हो? आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, अभी आप हमीदिया हॉस्पिटल देख लीजिए, मल्टी स्पेशलिटी बना दी उन्होंने, क्या किसी मुस्लिम का इलाज नहीं होगा? कोई रोड या कोई सड़क बनती है तो वहाँ लिखा रहता है कि मुस्लिम गाड़ी चलाना, मुस्लिमों का गाड़ी चलाना मना है। एक रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, कितने लोगों के बीपीएल कार्ड हैं? ऐसा है कि सिर्फ हिंदुओं के बीपीएल कार्ड है, मुसलमानों के बीपीएल कार्ड नहीं है? अच्छा, ऐसा तो कहीं नहीं। साथ सबका विकास सबका विश्वास जो नारा देते हैं मोदी जी वो पूरा है, बिल्कुल सत्य है, सत्यता की पर आधारित है ये। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है आपको? आप तो बोल रहे हैं एक तरफ हम कमल का फूल पसंद करेंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ कमलनाथ भी बैठे हुए हैं, बताइए आप। कमलनाथ नहीं, वो भ्रष्टाचार नाथ है, 15 साल उनके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी, 15 साल में लड़खड़ा के गिर पड़े वो। हाँ, वो तो खरीद लिया गया, किसने खरीद लिया गया? बीपीएल ने खरीद लिया बोल रहे हैं वो। अरे आरोप लगाने में तो क्या है, हाँ। वो तो उनके पास सिर्फ निराधार आरोप है। अच्छा। भाई तुम मजबूत नहीं थे, हाँ। तुम्हारे ही किले के अंदर सेंध लगी हुई थी, तो हम क्या करें? अच्छा, पंद्रह इस बार भी क्या लग रहा है आपको, ये मजबूत सरकार चाहिए या फिर मजबूर सरकार? देखिए अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी आप देखिए कमलनाथ जी ने कल इंदौर में मीडिया कर्मियों के साथ क्या किया, ये बोखला का है, मीडिया वालों को बाहर कर दिया है ना। जब ये 15 महीने इनकी सरकार आई थी, इन्होंने सारे विज्ञापन बंद कर दिए थे मीडिया के, बिल्कुल ये मीडिया के खिलाफ है ना। अब 15 महीने में इन्होंने किसानों की जो कर्ज माफी की राहुल गांधी ने जो बात करी थी वो ये पूरा कर नहीं पाए, ठीक है, और इनकी सरकार चली गई क्योंकि 15 महीने के अंदर ये बन गए थे बिल्कुल हिटलर। अच्छा, है ना। आप ये देखिए वो आईफा अवार्ड के अंदर वो देख के हीरोइन को बैठकर देख रहा है, जनता को देखना चाहिए आपको। अच्छा। सारा पैसा वहाँ लगा दिया, हाँ। तो ये तो होना ही है ना। अच्छा, हाँ। जो है ना ये जो इनकी नीति और नीति वो सब सामने आ गई है, सामने आ गई। लेकिन ये लगातार आरोप लगाते हैं ना मुख्यमंत्री पर, आपके मामा जी पर, कि जब देख रहे हैं कि अब इनका कुर्सी जाने ही वाली है, अब जनता इनके ऊपर नाराज चल रही है, तो योजना भी योजना ला रहे हैं, लाडली बहन योजना ला रहे हैं, गैस कनेक्शन ला रहे हैं, 450 रुपये कर दिया इन्होंने, तो ये सब खाली बस बौखलाहट है इनका मामा का, अब कुर्सी इनकी जाने वाली है। 18 साल से योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री लाडली योजना चल रही है, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं निकाह योजना चल रही है, विवाह योजना चल रही है, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अच्छा, तो ये तो कोई नई योजना है तो कोई भी नहीं है जी, कोई नई योजना तो है नहीं ये, हाँ। तो ये आए तो इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। अच्छा। गरीब जो है असहाय, हाँ। महसूस हो रहा था, बिल्कुल 15 महीने में ही इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। अच्छा, हाँ। घुटन हाँ। का माहौल हो गया था, क्या वजह था बंद करने का? भाई गरीबों का विकास नहीं चाहते ना इनके। अच्छा। इनके दिमाग में ये उद्योगपति हैं तो इनके माइंड में, क्योंकि गरीब का दर्द ये क्या जाने। अच्छा। कभी आटा पिसाने गए हों, कभी गेहूं लेने गए हों कमलनाथ जी, हाँ। किसी राशन की दुकान पे तो इन्हें पता हो कि आटे तेल के भाव क्या हैं। अच्छा जी, ये तो उद्योगपति हैं और ये सिर्फ अपने उद्योग को बचाने के लिए नेतागिरी में है। अच्छा, इन्हें जनता से क्या काम किया है इन्होंने जनता के लिए? क्या नाम है आपका? मेरा इमरान मोहम्मद खान नाम है। इमरान खान साहब यहाँ मौजूद हैं, इमरान मोहम्मद साहब आप हो? बंटी भाई बोलते हैं मुझको। अच्छा, बंटी भाई जी, बंटी भाई साहब, इनके बात से आप खुश हो, मतलब कि आप करते हो, मतलब कि बात इनकी मानते हो कि हाँ सही बोल रहे हैं ये? नहीं, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। दूसरी बात ये है, जो आप लगातार अभी कमलनाथ जी की आप तारीफ में थोड़े बहुत आपने कसीदे गढ़े, जैसे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया नाम दिया है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग भोकू मीडिया से हैं। अच्छा। आपको कमलनाथ जी ने पहुंचाया है अभी तक जो मैंने इतना देखा है। अच्छा, हाँ। आपने अभी यहाँ का विकास नहीं देखा है मध्य प्रदेश का। अच्छा, हाँ। सन 2004 से पहले आप देखते, हाँ। कि मैं काला था बिल्कुल। अच्छा। लाइट नहीं रहती थी, हाँ। अब मैं 2004 के बाद गोरा हुआ हूँ। अच्छा। क्योंकि लाइट होती नहीं थी, हाँ। जब अंधेरा होगा तो क्या होगा इंसान? अच्छा, काला होगा ना। हाँ, तो मतलब अब लाइट आ गई तो एसी चालू कर रहे हो? हाँ, लाइट आ गई तो एसी में भी हैं, बच्चे भी सब गोरे हो गए जितने हैं, खुशहाल हैं सब। अच्छा, नहीं कमलनाथ तो नहीं, कमलनाथ जी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई साहब। 15 महीने के अंदर आए थे वो, 15 महीने में ही उन्होंने सत्यानाश कर दिया मध्य प्रदेश का। अच्छा, 15 महीने में सत्यानाश कर दिया इसको। ये बताओ आप, अभी आप हमारे ऊपर भी आरोप लगाना शुरू कर दिए थे, अब इंडिया गठबंधन जो है वो पत्रकारों को बैन कर रही है, अब हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि आप लोग ये हो वो हो, ऐसी मीडिया हो, किसी ने भेजा है, ऐसा नहीं। नहीं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इतना बदनाम करके रख दिया है, अगर कोई पत्रकार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की तारीफ अगर सच्ची तारीफ करता है तो उसको गोदी मीडिया कह रहे हैं, शर्म आना चाहिए। अगर मैंने आप लोगों को भोकू मीडिया कह दिया
तो उसमें कौन सी गलती है? अच्छा। क्योंकि अभी कमलनाथ जी उद्योगपति हैं, मिलियंस में हैं, उनके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों पत्रकार उनके दिए हुआ माल लेके घूम रहे हैं। नहीं भैया, हम नहीं घूमते ऐसा किसी का। हाँ, मेरा ऐसा मानना है, आप हो सकता है ऐसे नहीं हो, लेकिन ज्यादातर मुझे ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। क्या हिंदू मुसलमान एक है? बिल्कुल हो रहा है। अभी आप देखिए, 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बिजली के बिल जीरो कर दिए। अच्छा। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। भोपाल में कई लाख मुसलमान हैं, उनके घरों के पैसे देने की स्थिति में नहीं थे वो लॉकडाउन के बाद से। जी। 3,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक के बिल थे जो शिवराज जी ने माफ करें। अच्छा। जैसे ईद और दिवाली होती है ना, ऐसा मुसलमानों के घर में माहौल है, मिठाइयाँ बटी, बिरयानी बनी, एक दूसरे को बधाइयाँ दी, औरतें शिवराज जी का नाम लेके इतनी खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मुख्यमंत्री निकाय योजना के अंतर्गत 49,000 रुपये का नकद चेक और बच्चियों का उन्होंने निकाह करवाया है। अच्छा। शिवराज जी ने जी, सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में। अच्छा। हर एक बच्ची ने खड़े होके हमें यहाँ शुक्राने की नमाज होती है 2 रकात। अच्छा। जब बहुत खुश होते हैं या अल्लाह से किसी चीज का इजहार करते हैं कि हम हमारा काम पूरा हुआ है, सभी लेडीज ने जाके 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी। अच्छा। कि शिवराज जी को अल्लाह मियां लंबी उम्र दे और उनकी सरकार को बनाए रखे जी। और मोदी के बारे में पूछूं तो मोदी जी से मतलब नहीं है। मोदी जी काम अच्छा कर रहा है इसलिए मुसलमान पसंद कर रहा है। अच्छा। मुसलमान उसी को पसंद करता है, मोदी नहीं करेगा। अच्छा। मुसलमान वो करेगा जो काम अच्छा करेगा। मोदी जी काम कर रहा है अच्छा। क्या काम अच्छा लगा आपको? आप ये देखिए कितना चैन सुकून है। इससे पहले जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, अगर हम बम्बई गुजरात जाते थे तो हमारे घर से फोन आता था, बेटा जल्दी आ जाओ, माहौल खराब है, दंगा हो जाएगा गुजरात में, बम्बई में, दिल्ली में, भोपाल में। अच्छा। तो हम सब काम धाम बिजनेस छोड़ के वापस आना पड़ता था। हाँ। तो मोदी जी जब से आए, तो जब से आपने 2004 के बाद से कितने दंगे, 2014 के बाद से कितने दंगे देख लिए? नहीं दिखाई देता दंगा मध्य प्रदेश में तो नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र एहसान है 2004 के बाद। अच्छा। लेकिन मोदी जी के 14 के आने के बाद से दंगा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। मुसलमान बहुत खुशहाल है, बच्चे नीले राशन कार्ड के माध्यम से बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अच्छा। डेली पब्लिक स्कूल और जैसे संस्कार वैली मध्य प्रदेश के सबसे बड़े स्कूल हैं, उसमें गरीब बच्चे, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे नीले राशन कार्ड की सहायता से वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जी, तो आपका कहना है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी भी आ गए हैं, अब वो मतलब कि अब सड़कों पे घूम रहे हैं, आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया था, है ना, अब गलियों में जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं और गरीबों से मिल रहे हैं, उनके साथ में चाय पी रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो युवा है उनका क्या मूड है, इस बार राहुल गांधी के बारे में सोच रहे हैं क्या? देखिए ऐसा है कि अगर उन्हें सोचना था तो बहुत पहले से इसकी नींव रखी जाती है। अच्छा। एक मकान जब बनता है तो एकदम 10 माला बिल्डिंग नहीं बन जाती जैसे डीमार्ट खड़ा हुआ है। हाँ। नीचे से गड्ढा खोद के आना पड़ता है। अच्छा। तो गड्ढे तो उनके बुरे गड्ढे खोद चुके हैं उनके परिवार के लोग, पहले के कांग्रेस के जो थे, उन्होंने बोला गड्ढा भरा है हमने, गड्ढा भर के नरेंद्र मोदी को दिया, नरेंद्र मोदी ने फिर से गड्ढा कर दिया। अरे बहुत बड़ा गड्ढा था भैया, अंदरूनी उसके अंदर 3 माला 4 माला वो बना लेते आप। अच्छा। बेसमेंट में जो बिल्डिंग बनती है। अच्छा। है ना, इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ। नरेंद्र मोदी जी जब तक जिंदा है, हाँ। जब तक मेरे ख्याल से उन्हें प्रधानमंत्री रहना चाहिए क्योंकि मुसलमानों का पूरा वर्ग कांग्रेस के भाई के मारे मोदी जी की तारीफ नहीं करता। अच्छा। बाकी कांग्रेस को पसंद नहीं करते मुसलमान, नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन कांग्रेस के भय की वजह से वो खुल के नहीं बोल पाते। गठबंधन ही बन गया है, दिखा आपने, इंडिया नाम दे दिया गया उसका। अरे ये गठबंधन जब नेता चुनने की बारी आएगी तो सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि जो है खासी एक तरफ है एनडीए की तरफ, क्योंकि उसमें जितने भी नेता होंगे मुझे तो इतना नहीं मालूम, सब प्रधानमंत्री बनने की लालच रख के आए। अच्छा। हाँ, आप रेसलिंग देखते हैं? रेसलिंग WWF, ब्रॉक लेसनर, HHH, शान माइकल, जॉन सीना, ये कभी एक रिंग में आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। हाँ, तो बस लड़ेंगे ये। मेरे ग्रुप में, ये मेरे ग्रुप है क्या? आज इधर आओ, क्या नाम है? यहाँ, अरे यहाँ हो, कैसे शर्मा रहे हो आप? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फैजुल्ला नाम है मेरा। मोहम्मद फैजुल्ला जी, क्या नाराजगी चल रही है हमसे आपकी? नाराजगी नहीं है। हाँ। आपने जो सवाल से बोला कि हाँ। बिजली वगैरह से रिलेटेड आपने जो बोला, तो हालांकि उतना मैं नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ का इस स्टेट से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हो? बिहार क्या हाल, थोड़ा बताइए बिहार का हाल। बिहार में क्या हाल चल रहा है? बिहार में नॉर्मली ठीक ठाक है। अच्छा। होता है ऐसा नहीं कि, देखिए थोड़ा बहुत मर्डर वगैरह हर स्टेट में होता है, बहुत होता है, होता हर जगह होता है, ऐसा नहीं मर्डर नहीं होते भैया। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आए हुए? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में माशाल्लाह इस्लामिक तौर बहुत अच्छा, जो पूरे अभी जहाँ भी हम दिल्ली मुंबई जहाँ भी गए, क्या अच्छा इस्लामिक, जहाँ से मेरे कहने का मतलब इस्लामिक मतलब जो भी है, एकता बहुत अच्छा है वहाँ, यहाँ बहुत अच्छा, भाईचारा बहुत अच्छा,
हिंदू मुस्लिम भाईचारा है यहाँ पर, बहुत अच्छा है भोपाल का, बिहार से ज्यादा यहाँ भोपाली क्यों नहीं अच्छा है, क्या वजह है? वहाँ लोग के वहाँ के बात करने का तरीका, यहाँ के लोगों के बात करने का तरीका बहुत है। मौसम देर में पलटता है, वो पहले पलट जाते हैं। सीएम वहाँ के सीएम से बात मत कीजिए, अभी यहाँ प्रधानमंत्री से तुम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ का सीएम बात नहीं, प्रधानमंत्री का बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री आप क्या बोल रहे थे, बिजली के विभाग का बात किए थे आप, यहाँ बताइए बिजली विभाग सरकारी विभाग में नहीं आता। आप एक चीज हमेशा याद रखिए, गवर्नमेंट सेक्टर का भी स्लो ही चलता है, ये प्राइवेट सेक्टर के जाने के बाद बिजली बिल आ रहा, बिजली विभाग पूरा एकदम सबको लाइन दे रहा है। अब ये देखिए बिजली बिल कितना आता है, नॉर्मली आप जैसे बंदे जो भी हैं वो बिजली बिल भर लेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे बंदे हैं ना, हम नॉर्मली अब एक फ्लैट में रहते हैं, जानते हैं उसका बिहार का बिल बताते हैं, मेरे पूरे घर का जितना बिल नहीं आता ना, हम उसका बस एक फ्लैट का जो बस दो पंखा चलता है लाइट भरता है उसका मैं अभी करीब 800-900 रुपया सिर्फ भरता हूँ। अच्छा, फ्लैट का क्या लग रहा है कि बिल ज्यादा आ रहा है? बिल 3,000 से 50,000 रुपए तक कल बिल माफ किए हैं शिवराज जी ने, 3,000 से 50,000 रुपए तक बिल माफ, सही है ना? ठीक है, आप सवाल बता, वो बोल रहे 3,000 से 50,000 माफ किया है बिल उन्होंने। सुनिए, तीन यहाँ एमपी का बात कर, क्या हो गया भोपाल का बात कर रहे हैं ना, भोपाल का हम देखिए एक स्टेट, एक नॉर्मली स्टेट का बात नहीं कर रहे, हम पूरे इंडिया का बात कर रहे हैं। सबसे अच्छा बिजली विभाग है दिया गया था, सबसे अच्छा सुविधा दिया गया था वो दिल्ली में दिया गया था, जो कि केजरीवाल के थ्रू। अच्छा। देखिए क्योंकि वो केजरीवाल पढ़ा लिखा है, क्यों इनकम टैक्स ऑफिसर है वो, समझ गए? क्योंकि वो देखिए वो छोटा चाहिए आपको, आप देखिए 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 अलाहाबाद जितना फ्री देंगे उतना हराम अड्डा हो जाएगा। देखिए देखिए बात समझिए, देखिए यहाँ पे देखिए आप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है? नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए पहले, आप युवा हो सुनिए यार, क्या करना क्या चाह रहे हैं फिर आप, जो प्रधानमंत्री हो कैसा चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार मोदी को बोलते हैं अनपढ़ गवा रहे हैं वो, तो किसको चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? प्रधानमंत्री के तौर पर वही चाह रहे हैं हम लोग, जिससे हम लोग को बस रोजगार मिले, नौकरी मिले। अभी मिलेगा कुछ चेहरा है दिखाया आपने? नहीं देखा। मोदी से तो नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी से नहीं मिलेगा। और किससे मिलेगा? या तो कांग्रेस से मिल सकता है, या तो अगर आम आदमी पार्टी की सत्ता बनती है, अगर उसकी अगर सत्ता बन जाएगी ना, पार्टी है उनकी, कितने स्टेट में पार्टी है उनको? पंजाब में है, अभी हाल फिलहाल पंजाब में अभी बनी है, और दिल्ली में है। अगर अभी एक और बात सुनिए, दिल्ली में उसकी जितना भी अभी स्कूल लेवल जो भी बेहतर हुआ था, अभी एजुकेशन मिनिस्टर का चेहरा पूछ रहा हूँ आपसे, किसे पसंद करेंगे कि हमारे लिए अच्छा काम करेगा? दो ही है मेरे चेहरे दिमाग में, या तो कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। देखो भैया, राहुल गांधी, आप लोग राहुल गांधी की बुराई कर रहे हो, युवा बोल रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री भैया, और भी पूछे ना भैया। अभी क्या है कि इनकी नई नई उम्र है, नहीं नहीं नहीं, अब क्या है जो ज्यादा है तो इनको जो दिखाया जा रहा है ना, ये इतना ही बोल रहा है। हाँ, क्यों आते हैं? मुझे बोल रहे, एक मिनट, ये एक मिनट, प्रदेश में इतना विकास था, नीतीश कुमार जो भी है तो मध्य प्रदेश में क्यों आते तुम? जो भाजपा का राज है, किधर कीजिए रहा बात, अभी पढ़ाई करने का बात है। एक चीज याद रखे, भोपाल में स्टेट जीडीपी जो भी संभालता है, यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा लोग, अब ऐसा नहीं हम इस बिहार स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, वो हम नहीं पढ़े, हम यहाँ आए पढ़ने का। क्या बता मोहम्मद फैजुल्ला? एक मिनट, सुनिए हर जगह का जीडीपी संभालता है, एक चीज दिल्ली में अपना इंडस्ट्री, हर जगह अपना इंडस्ट्री, यहाँ क्या जीडीपी संभाल रहा है? यहाँ एजुकेशन चीज जीडीपी संभाल रहा है, क्योंकि यहाँ कॉलेज है। यहाँ आप जितने भी नजर देख लीजिए, जहाँ जितना एमपी इस पार्क आपको नजर आएगा ना, उतना ही बिहारी लोग आपको नजर आएंगे। ये देखिए बिहारी लोग इधर, भैया ये नजर आ जाएंगे भैया, ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली स्टेट तो डेवलप स्टेट थी, है ना, मेट्रो वहाँ पर चलती थी, और वहाँ की जो जीडीपी है कितनी हाई है ना। अपन बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में आए, सुनो तो मध्य प्रदेश था बीमारू राज, क्या था ये बिहार जैसा था ना, उससे बुरा हाल मध्य प्रदेश का था। लेकिन आज जब मामा की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, तो बीमारू राज्य खत्म हुआ। हाँ। यहाँ पर रोजगार आए, रोजगार मिले, कॉलेज बने। हाँ। है ना। हाँ। यूनिवर्सिटी तो पढ़ने तो पढ़ने आए मेरे भाई, एक डेवलप चीज को आपको बिठा दिया जाए, उसको चलाना बहुत आसान है। एक बीमारू चीज को, एक डॉक्टर वो होता है, डॉक्टर वो होता है जो बीमारे इंसान को स्वस्थ करे, है ना। एक स्वस्थ आदमी को आप कह रहे, एक मिनट, आप एक पर्टिकुलर स्टेट को लेके नहीं चलिए, हम कहाँ बोल रहे, चुनाव है भैया, पे चुनाव है, यहाँ की बात हो रही है, 24 की बात है, 23 की बात हो रही है, यहाँ पे चुनाव है, चुनाव हो रहा है। जो पीएम बनेंगे आपके, अभी सीएम बनेगा, पीएम को चुनेगा, अभी जो अभी इलेक्शन हो रहा है, सीएम को बता रहे, यहाँ का सीएम जितना सीट, विधानसभा की बात भी हो रही है, विधानसभा प्रधानमंत्री की बात हो रही थी ना, दोनों की बात हो रही है, विधानसभा, हम भी भाई विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा में राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का बात नहीं। देखिए आप जब से आए मीडिया
मीडिया में बात किया, आप अपने सेकुलर लोगों का जितना भी है उसी आप जितना भी क्या आप सब सेकुलर में सबको लेके यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप उससे नहीं पूछ रहे मोहम्मद फैजुल्ला, मोहम्मद फैजुल्ला है यहाँ पे बहुत हिंदू मुसलमान मत की, हम भी बोल रहे हैं, हम भी मुसलमान, हम भी ये नहीं बोल क्या रट्टा लग लेके आए हो क्या की मतलब रट्टा लेके आए हो हिंदू मुसलमान करके जाओगे यहाँ पे दोनों कैमरे के सामने, आप बोल रहे हैं ये मुसलमान है, नाम नहीं पूछो इनका, सबका नाम नाम नहीं पूछो इनका, मैं हम क्या यहाँ पे डिस्टर्ब करने आ रहे हो क्या आप, नहीं बिहार से आप डिस्टर्ब करने आ रहे हो क्या आप, अरे सुनो यार सुनो, युवा हो इतना गुस्से मत रहो, गुस्सा सबको आता है, थोड़ा प्यार सुनो है ना, थोड़ा तहजीब में रहो, संस्कार में रहो, थोड़ा आप बात करो उनसे बात करने दीजिए, क्या नाम बताया जहीर खान साहब, तो क्या जहीर रिजवी साहब तो क्या लग रहा है युवा यहाँ पे नाराज कर रहे हैं, बोल रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाऊं के भाई हमारे यहाँ क्यों आगे कर रहा हूँ यहाँ पर, हमारे मुख्यमंत्री कुछ है अभी तुम यहाँ आके पढ़ रहा हो यहाँ पर आके, हाँ विकास कर रहा हूँ अभी तो मारो यहाँ पर, नहीं तो काय को आते यहाँ पर, अच्छा हाँ और क्या, तो क्या चाह रहे हो आप लोग जो चुनाव होने वाला है फिर से क्या, हमारे मामा आएंगे यहाँ पर आपके मामा शिवराज, शिवराज और केंद्र में, केंद्र में हमारे मोदी जी आएंगे, आपके मोदी जी आएंगे और एक मोदी और कितने लोग पीछे पड़े होंगे देखो तो आप कुछ अच्छा। उस बंदे में कुछ उसमें कुछ है जब सब इतने लोग पीछे पड़े हटाने के चक्कर में, अच्छा एक इल्तान अकेला इल्तान है वो और इतने लोग इसको पीछे पड़े हैं, अच्छा कितने लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं इसलिए पीछे पड़े हैं, कोई देश को बर्बाद नहीं कर रहा है वो, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं हमारे, ठीक है भैया। देखा हमने यहाँ के भोपाल के लोगों का राय सुनाया, 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, लोगों में क्या उत्साह है क्या इनका सोचना है वो आप तक पहुँचाया हमने, कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी भोपाल।